अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 3 दिन लगातार काम करने के बाद आज जो है वो वीकेंड का दिन आ चुका है और ये मेरा पहला वीकेंड है। तो अभी भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए क्योंकि किचन मैंने अभी तक नहीं लिया। अभी मैंने जो है वो जाना है, सिटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि जब आप जर्मनी में एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जब मूव करते हैं तो आपको जो है वो उस सिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और फिर जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर आपको अपनी गाड़ी भी उसी सिटी में रजिस्टर करवानी पड़ती है। आज भी मेरी सुबह सुबह आँख खुल गई 8 बजे तक, नींद मुझे नहीं आई अच्छी सी। अब जब तक ये है ना बेगम और मुश्तबा नहीं आ जाएंगे शायद मेरी नींद जो है ना वो इसी तरह ख़राब रहेगी। अभी कम्फर्ट में आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सिटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस का टाइम है आज 12 बजे तक वो खुला रहेगा, तो बस अब जल्दी से चलते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जो है ना बेकरी भी जाना है और वहाँ से जो है ना एक केक ऑर्डर करना है अपनी कलीग्स के लिए। जाहिर है मैंने यहाँ पे काम शुरू किया है तो अच्छा लगता है कि जब आप जो हैं वो अपनी टीम के लिए जो है वो जो है ना केक ले जाएं या कोई भी ऐसी चीज़ ले जाएं, एक अच्छा जेस्चर है। तो अभी जो है ना मैं केक का भी पता करना है, मुझे जाके सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद हमने जाना है किचन देखने के लिए। तो काम बहुत सारे पड़े हुए हैं छुट्टी वाले दिन के भी, तो शुरू करते हैं और फिर निपटाते हैं। मैं अपने कैलेंडर में जो है वो टास्क नोट कर लेता हूं ताकि मुझे जो है वो याद रहे, मैं भूलूं नहीं। तो पहला टास्क हमारा ये है कि हमने बेकरी जाना है, वहां केक का पता करना है और नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अगर नाश्ते की कोई अवेलेबिलिटी होगी तो हम नाश्ता भी करेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए और फिर उसके बाद हम जाएंगे किचन देखने के लिए। लेट्स गो। मुझे किसी बेकरी का पता नहीं है, बेकरी तो बड़ी लग रही है काफ़ी, तो मैंने तो गूगल किया था, गूगल से देख के मैंने निकाली थी बेकरी। अब चल के देखते हैं इनके पास केक वगैरह है कि नहीं है। केक जो है वो इनके पास मिल गए थे, बने बनाए तो नहीं रखे हुए थे लेकिन ये लोग ऑर्डर पे ही बनाते, तो मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब मंडे को इंशाल्लाह सुबह 7 बजे को उठा लूँगा मैं। नाश्ता करते हैं। नाश्ते में हमारे पास है कैपुचिनो, इसको कहते हैं लाउगे नेक, और ये है जी स्क्रैम्बल्ड एग। नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है फिर वो अगले काम पर चलते हैं। यहाँ मैं नाश्ता कर रहा हूँ और बाहर बारिश हो रही है, लेकिन सीरियसली बेगम और मुश्तबा होता ना तो ही मज़ा आता अच्छा वाला। अभी तो अकेले बैठ के नाश्ता करना पड़ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे ध्यान चलेंगे। और जिस दिन मुझे कोई काम होता है ना उसी दिन बारिश होना बहुत ज़रूरी होता है उसी दिन। हेट पूजा तो हो गई है भाई, अब चलें। पहला काम भी हो गया, केक भी हमने जो है ऑर्डर कर दिया है, अब हम चलते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। घर पे छाता रखा हुआ था लेकिन मैं वो लेकर नहीं आया, अम्ब्रेला घर पे ही रह गया और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। कोई बात नहीं, लेट्स गो, भीगते हैं आज बारिश में। अनफॉर्चुनेटली सिटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकी, अब जो है ना मुझे मंडे को या थर्सडे को आना पड़ेगा। अभी जो है ना हुआ ये कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो जो है ना एक बंदा गाड़ी से गुजर रहा था, उसने हॉन्क किया, उसने कहा कि मुझे भी व्लॉग मिलो और यूं करके इशारा करके चला गया। तो अब जो है ना वो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक और मसला भी हुआ कि मैंने जो है केक ऑर्डर किया, असल में उसके यहाँ पे केक में जो है ना जेलेटिन डालते हैं और वो जेलेटिन जो है ना वो पिग का होता है, और आपको तो पता है पिग हमारे मज़हब में हम जो है वो हराम में हम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो मैंने उसको कहा, उसने कहा कि जेलेटिन के बग़ैर जो है ना कोई भी वो नहीं बन सकता, केक नहीं बन सकता। खैर मैंने वैसे भी कलीग्स के लिए लेना था तो मैंने कहा आप बना दें। एक बैड सीन ये हो गया, दूसरा ये कि अब हम जा रहे हैं किचन लेने के लिए और बल्कि देखने के लिए। यहाँ पे जो काम थे वो कुछ जो है ना जैसा प्लान किए थे वैसा नहीं हो सके, अगली बार केक कहीं और से ढूंढ लेंगे। जेलेटिन जो है वो जाहिर है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि केक जो है वो स्टिक रह सके एक दूसरे के साथ। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं किचन देखने के लिए। किचन देखने के लिए गए थे, बहुत ही कोई बकवास किचन थे वहाँ पर। अब एक ही तरीका रह गया, बस अब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। अभी तो आया मैं मौज़म के पास दोबारा, चाय पियेंगे, खाना खाएँगे और फिर घर जाके कपड़े धोने और बहुत सारे काम वो करते हैं। पराठा विद चने, नाइस। चलें जी, कपड़े धोने का टाइम आ गया है, मशीन को ऑन करें और इसमें डालें सारे के सारे कपड़े। 8 केजी की मशीन है, सारे कपड़े डालते हैं इसमें से, ये निकाल के ये हमने कपड़े उठाए। और 8 केजी बहुत होता है भाई, बहुत कम है ये कपड़े। तो अब करते हैं डोर को बंद। इसके पीछे लिखा हुआ है
9+ के जी है तो 100 ml ने, और 6-8 के जी है तो 75 ml, और 5-4 के जी है तो 50 ml। अब इसको लेते हैं 75 ml तक और फिर इसको खोलेंगे और यहाँ डालेंगे हम। हमने डाल दिया जी इसमें सर, एरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब हम यहाँ से लगाएंगे प्रोग्राम। हमें प्रोग्राम कौन सा लगाना है? टर्बो वॉश नहीं, मिक्स 40 degree 59 मिनट चलेगा। 40 degree का वॉश है ये इको वॉश है, ये AI। अच्छा ये इसका स्पोर्ट्स पे क्लाइडिंग बैक टेक कॉल्ड। ये 60 degree नहीं, 60 degree बहुत ज़्यादा है। 40 degree नहीं, हम जो है ना नॉर्मल वाला इस्तेमाल करते हैं। 40 degree पे 59 मिनट चलाते हैं टर्बो वॉश, और इसको हम कर देते हैं प्ले। ओके, फोर वेशे भी ऐड कर लेते हैं इसमें। और मेरे ख्याल से पहले ऐड करना होता था इसको। हाँ, 4 वेशे ऐड किया हमने कि एक दफ़ा कपड़े भी धोए, साथ में स्प्यूलन भी करें, मतलब उसको कंघाले भी, और उसके बाद हम अप प्ले करते हैं इसको। तो टोटल अब 1 घंटे 1.5 घंटे की साइकिल लग गई है। अब कपड़े धुल जाएंगे, अब कुछ नहीं करना मुझे। ऑटोमेटिक मशीन का भाई यही फ़ायदा होता है, बस कपड़े डाले, टाइमर लगाया और बस आराम करो उसके बाद। इसको मैं खोल के रख देता हूँ, फिर इसमें हम कपड़े टंगा देंगे। कपड़े जो हैं वो धोने के लिए डाल दिए हैं। अब जो है एक मसला है, जब दरवाज़ा बंद होता है ना तो यहाँ पे कुछ स्टॉपर नहीं है, दरवाज़ा पे दीवार पे लग रहा है और निशान लगा रहा दरवाजे में। तो एक आता है यहाँ वॉल पे लगने वाला स्टॉपर, तो वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगा ताकि इस दरवाज़े पे उस दरवाज़े पे रख दूँ, क्योंकि जब जब दरवाज़ा लग रहा है तो वो जो है ना सबका सारी की सारी जो है ना वॉल ख़राब हो रही है। खाना शाना तो खा लिया है, अब थोड़ी देर गेमिंग करते हैं। दोस्त बुला रहे हैं मुझे, काफ़ी दिन हो गए गेमिंग किए हुए, थोड़ा गेम खेलते हैं और माइंड को रिफ्रेश करते हैं। एक चीज़ मैं और लाया था इसके लिए, अपने हेयर ड्रायर के लिए, तो इसको रखने की जगह नहीं थी तो मैंने सोचा भाई ये जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया जाए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे लगा दूँगा और इसकी वायर जो है ना वो यहाँ पे मैं इसको हैंग कर दिया करूँगा। ऐसे कि इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है कि इसको जो है ना आप लगाएं ऐसे, सफाई मैंने कर ली है, लगा के 30 सेकेंड के लिए इसको दबा के रखें। थोड़ा सा टेढ़ा लग गया है लेकिन खैर हो गई। अब 30 सेकेंड्स को दबा के रखें और उसके बाद जो है ना इसको 12 आवर्स के लिए छोड़ दें, ये पक्का हो जाएगा, फिर इसके ऊपर लटकाएं चीज़ें। आई गेस 30 सेकेंड हो गए होंगे। तो जनाब ये भी लग गया है, अब इसको 12 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। कपड़े हो गए हैं डन और मशीन ऑटोमेटिक हो गई है बंद। ओहो, गीले गीले हो रहे हैं कपड़े, अब इसको निकालें और सुखाएं। कपड़े जनाब हैंग कर दिए हैं मैंने, अब इसको बास्केट को रखें अंदर। तो रख दिया हमने यहाँ पे, मशीन का काम डन। और मैं कर रहा हूँ जनाब अपनी बेगम से बात और मुश्तबा से बात। मुश्तबा हेलो साख, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो मुश्तबा? सबको हेलो कर दो। हेलो, थम्स अप। मुश्तबा खाना खाने में लगा हुआ। तो आज का दिन भी जो है ना भाई इख्तिताम पे पहुंचा। आज का दिन भी जो है वो काम शाम की है। किचन जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन माशाल्लाह, अब जो है वो आएगा तो फिर हम उसके बाद उसको जोड़ेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि कैसे जोड़ रहे हैं। यहाँ पे किचन खुद लगाना पड़ता है, सब कुछ जो है ना वो आपके सामने ही है, सारा कुछ आप लोगों के सामने ही है। तो इसी तरह प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जाना इंस्टाग्राम पे आप सबके साथ लाइव आऊँगा, ताकि आप लोग जो है ना जो लोग बात करना चाह रहे हैं मुझसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, तो उनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह लाइव जाके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरह प्यार दें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टाटा।